बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिण तेलुआ गांव में घटी एक दर्दनाक घटना में गुजरात से अपने चाचा के बेटे की शादी में आए युवक की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया गया है। आइए इस खबर की मुख्य बातें को सुनते हैं। गुजरात से अपने चाचा के बेटे की शादी में आया था निखिल कुमार, 13 जुलाई से लापता था। पुलिस ने 12 दिन बाद बुधवार को तेलुआ के लालबेगी नदी के पास से शव को जमीन से खोदकर बरामद किया। एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी और थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि शव की पहचान निखिल कुमार के रूप में की गई। मृतक की मां मीना देवी ने पुलिस में अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को मारपीट कर हत्या की गई है और शव को गायब कर दिया गया है। आवेदन में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद बनाया गया है। सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब आइए इस घटना से जुड़ी पूरी खबर को सुनते हैं। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिण तेलुआ गाँव में अपने चाचा के बेटे की शादी में गुजरात से 9 जुलाई को अपने घर आए युवक की हत्या कर शव को बोरे में भर जमीन में गाड़ दिया गया था। पुलिस के कड़ी कार्रवाई के बीच 12 दिन बाद पुलिस ने बुधवार के दिन तेलुआ के लालबेगी नदी के पास सहरे से शव को जमीन से खोदकर बरामद किया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे एसडीपीओ रंजीश कांत प्रियदर्शी व थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि शव की पहचान तेलुआ निवासी निखिल कुमार 17 वर्ष के रूप में की गई है। विगत 13 जुलाई से अपने चाचा के घर से गायब था। मृत युवक की मां मीना देवी ने विगत सप्ताह स्थानीय थाने में आवेदन देकर अपहरण कर हत्या कर देने का मामला दर्ज कराई है। पीड़ित महिला ने बताया कि उनका बेटा निखिल कुमार उनके साथ गुजरात में ही रहता था। विगत 12 जुलाई को उनसे भसुर नौतन के दक्षिण तेलुआ गांव निवासी वकील सहनी के पुत्र नितेश कुमार की शादी थी, जहां पीड़ित महिला का पुत्र निखिल 9 जुलाई को गुजरात से दक्षिण तेलुआ शादी में आया था। 12 जुलाई को शादी थी। 13 जुलाई शादी के बाद शाम में पहले के आपसी विवाद को लेकर महिला के लड़के को घर में बंद कर नीतीश व अन्य लोगों द्वारा मारा पीटा गया और लड़के को गायब कर दिया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पुत्र को मारपीट कर उसकी हत्या कर उसके शव को गायब कर दिया गया है। पदाधिकारी ने बताया कि उसकी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को सफलता मिली। पदाधिकारियों ने बताया कि मृत युवक के मां के द्वारा दिए गए आवेदन में आधा दर्जन से ऊपर लोगों को नामजद बनाया गया है। सभी आरोपी घर छोड़ फरार हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान में जुट गई है।